आज हम एक बहुत ही मज़ेदार हेलीकॉप्टर फैन बनाएंगे। आप देखिए, अगर पंखा घूम रहा है तो पूरा एपरेटस गोल गोल घूम रहा है। ये कैसे होता है? इसके लिए आपको एक लकड़ी का स्केल, एक खिलौने वाला मोटर, एक बैटरी, एक लकड़ी आदि चाहिए। ये देखिए मोटर है जिसको एक रबर के ब्लॉक के ऊपर हमने माउंट करा है। इस पंखे के फाइबर के पंखे हैं। आप कोई सा भी खिलौने का मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं, बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो पंखा घूमेगा। उसके बाद एक लकड़ी का पैमाना लीजिए, उसके दोनों ओर आप रबर का गोंद लगा दीजिए। चंद मिनट इंतज़ार कीजिए गोंद के सूखने का, फिर एक तरफ बैटरी और एक तरफ मोटर चिपका दीजिए। अब ये 30 सेंटीमीटर का लकड़ी का स्केल के इसके बीचों बीच आप एक छेद बनाइए। उसके बाद एक पुराने पेन का पिछला हिस्सा लीजिए, 5 सेंटीमीटर लंबा, और उसको एकदम टाइट फिट कर दीजिए इस छेद के अंदर। यही वो धुरी बनेगी जिसके ऊपर हमारा पूरा खिलौना घूमेगा। अब एक बांस की सींक लीजिए, नोकीली, और उसके ऊपर इस पूरे एपरेटस को टिका दीजिए। और देखिए बिल्कुल आराम से फ्रीली घूमना चाहिए। और जैसे ही आप मोटर को बैटरी के साथ में जोड़ेंगे, पंखा घूमेगा, एक तरफ हवा फेंकेगा और पूरा का पूरा स्केल बैटरी के साथ में गोल गोल घूमेगा, बहुत तेज गति से घूमेगा। ये न्यूटन का तीसरा नियम है कि हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप इसको धीमी गति में भी चलते हुए देख सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। ये बिल्कुल करने योग्य एक्सपेरिमेंट है, बेहद मज़ेदार है, डायनेमिक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो स्कूल जाने वाली बच्चियाँ इस सरल से विज्ञान मॉडल से बड़े आनंद के साथ में खेल रही हैं।